तो हेलो भैया जी, कैसे हो आप सब। आज भाई साहब मैंने देखी मूवी हमारी अपनी 2 साल 4 महीने और 3 दिन पहले वाली क्रश रश्मिका मंदाना की मूवी गुड बाय। तो भैया जी मूवी का नाम भले ही गुड बाय हो बट उनका वेलकम मूवी है बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू का। और इस मूवी के साथ उन्होंने क्या क्या हुआ है वो बात करने से पहले अगर हम बात करते हैं कि मूवी कैसी थी, तो मैं फर्स्ट ओपिनियन देता हूँ कि भाई साहब मूवी जैसी भी थी मूवी थी। अगर इस बात से भी समझो कि अमिताभ बच्चन के साथ डेब्यू करने वाली रश्मिका मंदाना कुछ इतनी ज़्यादा हाइप दे रही थी बॉलीवुड को कि भाई साहब बॉलीवुड जैसे बहुत बड़ी तोप हो। इस बात को आपको समझना होगा कि बॉलीवुड खत्म हो चुका है भैया जी, डेब्यू के नाम पे आपका साउथ इंडस्ट्री बहुत बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट, जिसको इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं गुड बॉय मूवी की स्टोरी की, तो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बट अच्छी लगने वाली है आपको। कि मिडिल क्लास फैमिली में 4 बच्चों के साथ एक परिवार रहता है जिसके चारों बच्चे अलग अलग जगह पे होते हैं, कोई सिंगापुर, कोई दुबई, तो कोई और काम कर रहा होता है, तो कोई कुछ और काम। रश्मिका मंदाना इसमें एक डॉक्टर का रोल प्ले करने वाली है। पारिवारिक सुखी मूवी में विघन तब आता है जबकि भाई साहब परिवार की लेडी यानी कि परिवार की अम्मा की डेथ हो जाती है, बट उसी डेथ के बाद ही तो चीजें स्टार्ट होती हैं। रश्मिका मंदाना को अपनी माँ की डेड बॉडी के नाकों में रुई डालना और उनके पैरों को बांधना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जो कि भाई साहब हमारे सनातन रीति रिवाजों का एक हिस्सा होता है। और यहाँ तक कि आपको बात करें तो अमिताभ बच्चन की एक्टिंग भी आपको अच्छी लगने वाली होती है, जहाँ पे उसके बच्चे कुछ ऐसी दुनिया में बिजी होते हैं जो कि भाई साहब अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुँच पाते हैं। इन द एंड अगर आप मूवी की बात करो तो मूवी कहीं ना कहीं आपको हंसाने की और कहीं ना कहीं आपको रुलाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर आपको बता दें तो कुछ मूवी कुछ नया नहीं है। बट सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर आपको बता दें कि भाई साहब ये मूवी कुछ इतनी भी खास नहीं है कि एकदम ही ओरिजिनल माल है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आज से भाई साहब कुछ टाइम पहले राम प्रसाद की 13वीं एक ऐसी मूवी नाम की आई थी जो कि इसी प्लॉट पे थी। बट अगर आप बात करो तो स्टार कास्ट और भाई साहब रश्मिका मंदाना के स्टारडम की, तो उसकी वजह से ये मूवी कुछ ज़्यादा खास बन जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप रोना चाहते हो, आप अपने परिवार की अहमियत को समझना चाहते हो और आप अगर ये समझना चाहते हो कि भाई साहब आप अपनी फैमिली को कितना ज़्यादा देते हो, तो भाई साहब मूवी आपको पसंद आएगी, जस्ट बिकॉज कि अगर आप एक छोटा सा मिडिल क्लास फैमिली वाला दिल रखते हो। और अगर हम बात करें रश्मिका मंदाना की एक्टिंग के बारे में, तो भाई साहब उनका हिंदी एक्सेंट कभी ना कहीं तेलुगु लगता है, क्योंकि भाई साहब कोशिश उन्होंने बहुत बड़ी करी हुई है कि भाई साहब हिंदी में डब करके लोगों को पसंद आने की, लेकिन वो एक्सेंट भी हमें पसंद आता है जस्ट बिकॉज सारी चीज़ों की तरह उनके। और अगर हम कहीं ना कहीं मूवी कुछ अच्छा करके दिखाएगी, इस बात का तो पता चल जाएगा एटलीस्ट 1 हफ्ते के बाद कि भाई साहब मूवी क्या कलेक्शन ओवरऑल कर रही है, उसका भी अपडेट मैं आपको ला के दूंगा। अगर आपने मूवी नहीं देखी है और अगर आप चाहते हो कुछ ऐसी फैमिली ड्रामेटिक मूवी देखना, तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हो जस्ट बिकॉज मूवी अच्छी है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना मेरे भाई। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए